रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपके ख्याल में पाकिस्तान को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? मेरे ख्याल में आप भी सोचें, मैं भी सोचती हूँ, लेकिन कायद अजम ने कहा इतिहाद, ईमान और तंजीम। हमें नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ इतिहाद करना चाहिए, अपने अकीदे में ईमान में पुख्ता होना चाहिए और तंजीम मुनज़्ज़म तरीके से काम करना चाहिए। और मेहनत में अज़मत है, मसलसल एक दिन मेहनत करके बैठ नहीं जाना, मसलसल मेहनत करना। और आपका काम है पढ़ाई करना, तो असल में मेहनत करने के लिए भी सब्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि कायद अजम जो है वो पाकिस्तान को ताकतवर मुल्क देखना चाहते थे। हम ताकतवर तब बन सकते हैं जब हम अपने ऊपर सब्र करें, मेहनत करें, मेहनत मेहनत और मुनज़्ज़म होकर काम करें। तो चलें हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। आज हम देखेंगे रिपीटेड एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन, के बार बार वही बात जमा करना और मल्टीप्लाई करना। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर आर टुगेदर, कितने टोटल सेब हैं। देयर आर थ्री ग्रुप्स, तीन ग्रुप्स हैं, ईच ग्रुप हैज टू एप्पल्स, और हर ग्रुप में दो सेब हैं, तो ये टोटल छह सेब हो गए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी फिश आर इन टोटल, टोटल कितनी मछलियां हैं। देयर आर फाइव बोल्स, पांच पानी के प्याले हैं और हर प्याले में दो मछलियां हैं, तो ये दस मछलियां हैं हमारे पास, कुल दस मछलियां हो गई। फिर इसी तरह हम अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आप कॉपी पेंसिल लें और इसको अच्छी तरह लिख कर याद करें। काउंट द नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप की गिनती करें और हर ग्रुप में कितनी टॉफियां हैं। तो दो ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में चार स्वीट्स हैं, तो चार जमा चार कितने होते हैं। शाबाश, यहाँ पे रुक के वीडियो और इसको खुद से करें। टू ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में चार टॉफियां हैं, तो इसका जवाब है कि चार जमा चार आठ। तो इसका मतलब है कि हम जो है वो ग्रुप्स में बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं, देर आर डैश ग्रुप्स, ईच ग्रुप हैज डैश बॉल्स, फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू, हाँ। तो आप देखें कि तीन हमारे पास ग्रुप्स हैं, यहाँ पे आप वीडियो रोकें और खुद से इसको देख के लिखें। तो बहुत आसान सवाल है कि हमारे पास तीन ग्रुप हैं और हर ग्रुप के अंदर पांच बॉल्स हैं, पांच गेंदे हैं, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 या 15। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है, देयर आर डैश ग्रुप्स, ईच ग्रुप हैज डैश एक्स, 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब आप देखें एक दो तीन कितने ग्रुप्स हो गए। शाबाश, खुद से सोचें लिखें, यहाँ पे वीडियो रोक के खुद अपनी कॉपी पे इन खाली जगहों को पूर करें, फिर देखें आगे जवाब क्या आता है। तो हमने देखा कि हमारे पास चार ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में तीन अंडे हैं, तो हमारे पास टोटल 12 अंडे हो गए। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हैं मज़े मज़े के स्टार्स, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर आर टूगेदर, देयर आर फोर ग्रुप्स, ईच ग्रुप हैज टू स्टार्स, तो 2 इंटू 2 इन प्लस 2 इंटू 8, तो हम इसको कह सकते हैं 4 ज़रब 2 इज इक्वल टू 8। तो उसके बाद हमारे पास है मज़े मज़े के मैंगोज, हाउ मैनी मैंगोज आर इन टोटल, हमारे पास कुल कितने आम हैं। देर आर 3 ग्रुप्स, ईच ग्रुप हैज 5 मैंगोज, तो हमारे पास 15 हैं और इसको हम 3 ज़रब 5 भी कह सकते हैं, 15 के बराबर है। उसके बाद हमारे पास हैं ऑरेंजेस या माल्टे, तो लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तस्वीर की तरफ देखें और खाली जगह पूर करें। देयर आर डैश ग्रुप्स, ईच ग्रुप हैज डैश ऑरेंजेस एंड 3 ज़रब इज इक्वल टू, देयर आर, यहाँ पे रुकें, अपनी तस्वीर को देखें, फिल इन द ब्लैंक्स करें। आगे हम जवाब चेक करते हैं। देयर आर 3 ग्रुप्स, ईच ग्रुप हैज 2 ऑरेंजेस एंड 3 ज़रब 2 इज इक्वल टू 6। तो ज़रब के लिए एक्स या टाइम्स
फोर टाइम्स का साइन इस्तेमाल होता है। अब आप यहाँ पे देखें बटरफ्लाईज हैं, तितलियाँ हैं, कितने ग्रुप्स हैं इनके और हर ग्रुप में कितनी तितलियाँ हैं। तो इनको हम दो से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा। यहाँ पे वीडियो रोकें, पीछे फिल इन द ब्लैंक्स खुद करें और फिर आगे आंसर चेक करें। तो ये हमारे पास फाइव ग्रुप्स हैं, ई ग्रुप में टू बटरफ्लाईज हैं, तो हमारे पास 5 × 2 इज इक्वल टू 10, टोटल 10 बटरफ्लाईज हैं। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।